ये पिपलांती की रसोई है। देसी चूल्हे पे खाने का आनंद। और बनाने वाले हैं पद्मश्री डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल। भारत में कहावत है कि घर आया माँ जाया, मतलब जो हमारे घर आ गया वो हमारे भाई के समान है, और अतिथि सत्कार में हम लोग बड़े अव्वल हैं। तो ये पिपलांती की रसोई है, यहाँ की माताएं बहनें सब्जियाँ बिन रही हैं, सब्जियाँ साफ कर रही हैं। और पिपलांती का नाम आपने सुना होगा, पिछले साल यहाँ के जो फॉर्मर सरपंच थे श्याम सुंदर जी पालीवाल, उन्हें पद्मश्री मिली है, और उससे पहले वो KBC में भी दिखाए गए कौन बनेगा करोड़पति मामी साहब के सामने। और मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ रसोई में। ये पालीवाल जी, रसोई की तैयारी चल रही है। ये देखिए, ये पालीवाल जी देसी चूल्हे पे खाना, हमारी एक बहन है, देसी चूल्हे पे खाना बन रहा है, पूरा मिट्टी का चूल्हा, लकड़ियाँ। और ये पालीवाल जी बैठे हैं। सर कैसे लग रहे हैं? मैं तो कैसा लग रहा हूँ आपको पता है, आप बहुत अच्छा लग रहा। मैं भी देखा, आपको दिखा देता हूँ मैं कैसा। ये देखिए, ये पिपलांती की रसोई है। देश दुनिया के बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और इस देसी किचन में खाना खाते हैं। नमस्ते कला जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ। क्या बना के लिए आज? धनिया हाथ में आपके, ये देखिए धनिया साफ करके लाइए कला जी। ये कला जी के हाथ से, यहाँ कला जी और श्याम सुंदर जी और बमर जी और इनके सारे लोगों की टीम है, इनकी कोशिश रहती है कि जो भी आए भूखा नहीं जाए। देसी चूल्हे पे खाने का आनंद। और बनाने वाले हैं पद्मश्री डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल, है ना? और ये खाना मेरे लिए बनाया जा रहा है, बिल्कुल, है ना? तो श्याम जी, वैसे आपके साथ खाना बहुत बार खाया है, आपके हाथों का बहुत बार खाया है, क्योंकि ये हमारे आपका और मेरा काम करते हुए 10 साल हो गए हैं साथ में। तो और देखिए, अभी एक ऐसा समय है, लेट रात्रि है और यहाँ और कोई व्यवस्था हो नहीं सकती है, और कोई किसी को बुला के खाना बनाया नहीं जा सकता है, तो फिर हाथों हाथ हम बनाते हैं, आप भी मदद करवाइए और मिलकर अपन जैसा भी टेस्ट होगा मिलकर। ये देखिए, एक मोबाइल से आपको दिखाया जा रहा है कि श्याम जी किस तरीके से काम कर रहे हैं। आलू की सब्जी बन रही है, आलू प्याज की सब्जी बन रही है, देसी चूल्हा है, और दूसरी तरफ हमारे एक बंधु आटा लगा रहे हैं, उधर आपको सामने अंधेरे में दिख रहे होंगे। फाइव स्टार से बढ़ के आनंद लेना तो कभी गांव में आइए। हाँ, गांव का असली ऑर्गेनिक, बिल्कुल बिल्कुल केमिकल रहित खाना। 2 से 3 दिन अगर रहते हैं तो पता चलता है कि कुछ खाया है और कुछ दिया है। सही।